गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आए हैं नेहरुल नवी मुंबई एक नया व्लॉग शूट करने। बहुत ही सीनिक व्यू है। तो ये शूट हो रहा है हमारे नए सेगमेंट के लिए। तो जैसे आपने पहला व्लॉग देखा होगा, इससे पहले वाला व्लॉग, तो हमने इस सेगमेंट का नाम रखने का सोचा था MWA ऑटोज़, और फिलहाल के लिए तो यही रखने वाले हैं। तो हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया जिसमें हम आपको नए नए बाइक्स लेके आएंगे। तो हमने ये नया सेगमेंट आपके लिए लेके आया जिसमें हम आपके लिए नए नए बाइक्स लेके आएंगे, उसके डिटेल्स बताएंगे, स्पेसिफिकेशंस, उसकी ऑन रोड प्राइस, और अगर बाइक को फाइनेंस पे लेना चाहते हो फाइनेंस के सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे पहले वाला व्लॉग इस सेगमेंट के लिए था ड्यूक 250 का। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई कार्ड पर लिंक आता होगा, आप उस वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए हम आपके लिए लाए हैं यामा की R15। ये BS6 मॉडल है और इसके सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसकी प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसके फाइनेंस, अगर आपको फाइनेंस पे लेना है तो वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले आप इसके थोड़े सिनेमैटिक्स देख लीजिए और उसके बाद आपके स्क्रीन के सामने आएंगे इसके स्पेसिफिकेशंस। तो वो देखने के बाद मैं आपके साथ इसकी ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस डिटेल्स शेयर कर लूँगा। तो ये थे बाइक के स्पेसिफिकेशंस। बाइक ये प्रॉपर स्टॉक बाइक नहीं है, इसमें इसकी जो विंड स्क्रीन है और इसके टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, बाकी प्रीटी मच स्टॉक है। तो बाइक से शोरूम से आपको ये बाइक ऐसी ही आती है। तो अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो उसकी ऑन रोड प्राइस है 1,80,000 रुपये, और अगर आपको ये बाइक फाइनेंस पर ख़रीदनी है तो अभी मैं इसके फाइनेंस के डिटेल्स आपको बता तो दूंगा, लेकिन उस पर मेरे को कोट मत करना क्योंकि इसमें कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर जो भी है इसके ऊपर चेंज होता है, या तो आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपकी सैलरी स्लिप के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है इसके डाउन पेमेंट और EMI। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है, मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको इतना ही पे करना पड़ता है। तो अगर आपको ये बाइक फाइनेंस पर ख़रीदनी है तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 50,000 रुपये, और इसका EMI आपको आ जाएगा लगभग 5,203 साल के लिए। तो ये तो थे बाइक के प्राइस और फाइनेंस डिटेल्स के बारे में। अगर आप ये बाइक खरीदना चाहते हो या ख़रीदने की सोच भी रहे हो, और अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास रहते हो तो आप हमारे ट्रस्टेड डीलर्स रुद्रा मोटर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे कोट ले सकते हो, वो आपको प्रॉपर डिटेल्स बताएंगे ऑन रोड प्राइस, फाइनेंस के बारे में एक्सेट्रा। और अगर आप हमारे चैनल का रेफरेंस लेके जाते हो तो आपको एक अच्छी डील भी देंगे, प्रॉपर डिस्काउंट, और वहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड नहीं आएगा। आपको कोई भी बाइक आप लेना चाहो तो विदाउट वेटिंग आपको मिल जाएगी, वंस योर फाइनेंस इज़ आर सॉर्टेड आउट तो आपको बाइक तुरंत मिल जाएगी, सेम डे या नेक्स्ट डे भी मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो, आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हो तो आपको छोटा सा आइडिया आ जाएगा आपको कितना पेमेंट, डाउन पेमेंट करना होगा, कितना EMI आएगा। दीज आर द स्टैंडर्ड ऑप्शंस फाइनेंस में, आप ये डील आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप ज़्यादा डाउन पेमेंट भी कर सकते हो जिससे आपका EMI अमाउंट कम हो जाएगा और इंटरेस्ट भी आपको कम चार्ज होगा, और दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगली ऐसे कैसे व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।